नमस्कार मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ लहसुन के पकौड़ा बनाने। तो मैं क्या क्या इसमें डाली हूँ आपको बता रही हूँ। ये हरा लहसुन है, इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ, काट ली हूँ। और इसमें हल्दी, लहसुन तो है ही, गोल मिर्च, जीरा, नमक और बेसन मिला दी हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से मैं इसके में रख ली हूँ। अब पकौड़ी तल के मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन की पकौड़ी बहुत गर्म होता है और इसलिए खाया जाता है, जिसे सर्दी खांसी है उसे लहसुन की पकौड़ी बहुत फायदेमंद है उसके लिए, उसे खाना चाहिए। थोड़ा गर्माहट मिलेगा इससे, इसी वजह से बहुत ही गर्म होता है। लहसुन शुगर वाला को भी खाना चाहिए, पकौड़ी में खाइए, कच्चा लहसुन खाइए, गठिया वाला को खाना चाहिए, जिसे सांस की प्रॉब्लम है उसे भी लहसुन खाना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद है और टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है। पकौड़ी बनाने से थोड़ा खा लेते, थोड़ा थोड़ा सबके शरीर में चला जाता है। तो कच्चा लहसुन खाने में कोई कोई नहीं खा पाता, थोड़ा परेशानी होती है। मैं इसे पलटती हूँ और थोड़ा सा इसका फ्लेम कम कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएगा। हो गया है, अब मैं इसे निकालती हूँ। ज़्यादा जलाना ठीक नहीं है, लहसुन है या पत्ते वाली है, हरा हरा ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खाना चाहिए। बहुत ही टेस्टी होता है लहसुन के पकौड़ा, जरूर बनाएं, घर में जरूर ट्राई करें। और जिसे सर्दी सर्दी हो रखी है तो हल्का फुल्का, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि इससे बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा, दवाई भी लेते रहें, पर इसका पकौड़ी बना के जरूर खाएं, थोड़ा इससे आराम मिलेगा, फायदेमंद है। तो लीजिए, हरा लहसुन का पकौड़ा बन के तैयार है और आप घर में ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। अगर अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।